हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरु जी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 के लिए हिंदी के अंदर, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है नियोजन। तो नियोजन का ये लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। तो इसके अंदर जो है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सब कुछ कर लिया था, नियोजन का अर्थ, नियोजन का महत्व भी किया था। आपने देखा होगा वो लेक्चर, नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। आपको लिंक ऊपर आई बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो है हम करने वाले हैं, एक तो नियोजन की विशेषताएं और एक हम करने वाले हैं नियोजन की सीमा है। तो नियोजन की विशेषताएं एंड सीमा है, दोनों करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं नियोजन की विशेषताएं, जो कि उसकी परिभाषा और उसके अर्थ और उसके महत्व से बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे। इसके केवल पॉइंट पॉइंट याद कर लीजिए, अंदर आप लिख लेना एग्जाम के अंदर, और अंदर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आ जाइए। सबसे फर्स्ट है हमारा नियोजन। जो नियोजन होता है उसकी विशेषता है, नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। बिल्कुल, नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है, बिल्कुल है ही। अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया था कि नियोजन जो है वो स्टार्ट करने से पहले, प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य कौन से हैं, लक्ष्य कौन से हैं, उसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो ये वही तो बोल रहा है कि भी जो नियोजन है वो स्टार्ट करने से पहले लक्ष्यों का, उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है। इसलिए नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त करना, जो जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम नियोजन कर रहे हैं, उस चीज की प्राप्ति। सेकंड है नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य। बिल्कुल, प्रबंध के बहुत सारे कार्य हैं जिसके अंदर नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, 5 थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़े थे प्रबंध के कार्य, है ना। तो सबसे पहला कौन सा था, नियोजन। तो वही तो बोल रहा है कि नियोजन जो है वो प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। फिर सेकंड कौन सा है, संगठन। थर्ड कौन सा है, नियुक्तिकरण। फिर फोर्थ निर्देशन, और फिर नियंत्रण। बट फर्स्ट कौन सा है, नियोजन। तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, ये एक नियोजन की विशेषता है। नियोजन सर्वव्यापी, मतलब सब जगह है, हर कोई प्लानिंग करता है, बिना प्लानिंग के कुछ भी काम नहीं होता। कोई अच्छी प्लानिंग करता है, कोई थोड़ी सी प्लानिंग करता है, कोई ज्यादा करता है, है ना। बट प्लानिंग करते सब हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, आकार कोई भी क्यों ना हो, व्यापार का, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, कोई भी संगठन हो, सामाजिक हो या फिर व्यापारिक हो, सभी बड़े छोटे मध्यम आकार के सभी व्यापार नियोजन जरूर करते हैं। हम भी अपनी लाइफ के अंदर नियोजन जरूर करते हैं, प्लानिंग जरूर करते हैं। आपने भी कर रखी होगी कि क्लास 12 के अंदर इतने परसेंटेज बनाने हैं, उसकी प्लानिंग कर रखी होगी कैसे बनाने हैं। ओके, नियोजन जो है वो अविरत है। अविरत मतलब कभी रुकने वाला नहीं है, निरंतर। नियोजन जो है वो निरंतर प्रक्रिया, निरंतर अविरत या निरंतर आप लिख सकते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यू चलता ही रहता है। सर कैसे, पहले हम एक प्लान बनाते हैं, किसी लक्ष्य, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके लिए हमने नियोजन कर लिया, प्लानिंग कर ली, वो जैसे ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा फिर क्या करेंगे, फिर और प्लान बनाएंगे। तो जो नियोजन है वो एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए होता है। जब वो सामने वाला लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाता है हमें, तब हम वापस नया प्लान बनाते हैं। आया समझ में। अगला है नियोजन भविष्यवादी है। भैया प्लानिंग कैसे की जाती है, पास्ट के अनुभव के आधार पर फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। तो नियोजन क्या हो गया, भविष्यवादी, फ्यूचरिस्टिक है, है ना, क्योंकि लक्ष्य फ्यूचर में प्राप्त होगा ना, भविष्य में प्राप्त होगा। तो नियोजन भविष्यवादी है, नियोजन में बहुत सारे फ्यूचर से रिलेटेड अनुमान लगाए जाते हैं। ओके सुनील, सुनील गेट बंद करो बेटा। नेक्स्ट है नियोजन में निर्णय रचना निहित है, है ना। निर्णय रचना, डिसीजन कैसे लेना है, वो भी नियोजन के अंदर शामिल होता है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, बिल्कुल है। नियोजन कैसा अभ्यास है, मानसिक, मेंटल प्रैक्टिस है, बहुत सोचना पड़ता है प्लानिंग करने के लिए। ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था और मैंने नियोजन का अर्थ और महत्व बताया था, उसके बाद उस टाइम मैंने डिटेल के अंदर इन चीजों को समझाया,
तो विशेषताओं के केवल पॉइंट पॉइंट याद कर लेना, अंदर आप अपने हिसाब से लिख देना, एक बार बुक की रीडिंग लगाना चाहो तो लगा देना। फिर आता है आपकी नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशंस, नियोजन की सीमाएं क्या है। तो देखिए, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है, दृढ़ता समझते हो, मुश्किल। तो एक संस्था में एक लक्ष्य को निश्चित समय में पाने के लिए सुनिश्चित योजना तैयार की जाती है। अच्छा, यह योजना भविष्य में कार्य करने की विधि निर्धारित करती है। प्रबंधक इसमें परिवर्तन करने की अवस्था में नहीं होता। देखो, एक बार प्लानिंग बना लेते हैं ना, अब प्लानिंग कौन बनाते पड़ा, नियोजन कौन करते हैं, नियोजन मतलब प्लानिंग वो करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक। अब उन्होंने प्लान बना के दे दिया, अब उस प्लान को लागू कौन करेंगे, मध्य स्तरीय या निम्न स्तरीय प्रबंधक और कर्मचारी उस पर काम करेंगे। तो जो उस प्लानिंग को, उस नियोजन को जो लागू करते हैं ना, वो उसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते, भले ही परिवर्तन की कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, बट नहीं कर सकते। उनको पता है ये गलत है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। जो प्लानिंग करी हुई उस हिसाब से चलना होता है, दृढ़ता उत्पन्न करता है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा बोला है जैसा लिखा हुआ है कर दो, तो दृढ़ता उत्पन्न करता है। ओके, सेकंड है, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता, कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना बना लो। अभी लोगों ने बहुत सारे प्लान बनाए हुए थे ना, लास्ट दो साल की बातें करें तो, किसी ने नया रेस्टोरेंट खोला था, फिर प्लानिंग करी थी ये करेंगे वो करेंगे, किसी ने न्यू स्कूल खोला था, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बहुत सारे नए नए काम खोले गए थे, बट क्या आ गया, लॉकडाउन आ गया, वातावरण क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, और सारे प्लानिंग धरी की धरी रही थी। फ्यूचर में हमेशा, प्रेजेंट में, फ्यूचर में वातावरण परिवर्तनशील है, चाहे वो सामाजिक वातावरण ले लो, तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, लोगों का रहन सहन चेंज होता रहता है, राजनीति पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है, लेटेस्ट एग्जांपल है ये आपके अफगानिस्तान का, और आर्थिक स्थिति चेंज होती रहती है ना, तो तकनीक चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। चैप्टर नंबर सेकेंड में हमने पढ़ा था व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम, यही थे। तो वातावरण जो है वो निरंतर परिवर्तनशील होता है, इस परिवर्तनशील वातावरण के अंदर नियोजन प्रभावी कैसे रह सकता है। आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर दो, कुछ ऐसा हो गया कि आपकी प्लानिंग कुछ काम ही नहीं आएगी। तो वही यहां कह रहा है कि भाई, आर्थिक हो गया, राजनीतिक, भौतिक, कानूनी, सामाजिक आदि आयाम जो है ये परिवर्तित होते रहते हैं, और इसका हम ज्यादा पूर्व ज्ञान भी नहीं रह सकते। तो ये जो है नियोजन के अंदर जो है रुकावटें पैदा करते हैं, आपकी प्लानिंग हो सकता है काम ना करें, सीमाएं पड़ रहे हैं तो बुराइयां करेंगे नियोजन की। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, रचनात्मकता समझते हो, क्रिएटिविटी है ना। उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया उच्च अधिकारियों ने, है ना, प्लान कौन बनाते हैं, उच्च अधिकारी बनाते हैं, और जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं, हमने नीचे नीचे देखो ड्रॉ भी करा है, टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो प्लान बनाता है, मिडल एंड लोअर लेवल उसको लागू करता है। अब जो असली में फील्ड में काम करेगा उसको ही तो पता होगा ना कि किसी काम में कैसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कहाँ बेनिफिट है। अब उच्च स्तरीय प्रबंधकों ने प्लान बना दिया, अब चलना उस हिसाब से ही है। अब यहाँ पर जो लागू कर रहे कर्मचारी, उनको पता है यार ये तो गलत हो जाएगा ऐसे, बट करना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी खत्म हो गई। कुछ जो प्लान लागू करते हैं, जो नियोजन की प्रक्रिया को लागू करते हैं, वो होते मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधक, उनको बिल्कुल दिमाग नहीं लगा है। उनको तो जैसा उन्होंने ऊपर वालों ने, उच्च अधिकारियों ने प्लान बना के दिया है वैसा लागू कर देना है, उसको क्रियान्वित कर देना है। तो फिर जो मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधक है वो अपना माइंड यूज कर ही नहीं रहे, तो उससे उनकी जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, वो कम हो रही। तो ये एक नियोजन का माइनस पॉइंट है, सीमा है। फिर नियोजन जो होता है, नियोजन में भारी लागत आती है। नियोजन में क्या आती है, कॉस्ट बहुत भारी आती है। नियोजन में क्या आती है, भारी लागत आती है, खर्चा बहुत आता है नियोजन। खर्चा दो चीजों का आता है, समय का भी हो सकता है और धन का भी हो सकता है ना, टाइम एंड मनी दोनों बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। क्योंकि उच्च अधिकारी जब नियोजन करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही थोड़ी प्लान बना देते हैं, वो मार्केट में डेटा लेते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था प्लानिंग की प्रोसेस, की प्लानिंग कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले मार्केट से डेटा लिया जाता है, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, रिसर्च की जाती है, है ना, फिर उसके बाद में जो है कहीं जाकर जो है एक अच्छा सा प्लान जो है तैयार किया जाता है। तो इसमें समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, रिसर्च फ्री में थोड़ी हो जाएगी, कोई डेटा फ्री में दे देगा क्या,
लोगों को भेजना पड़ेगा, डेटा परचेज करना पड़ेगा, एनालिसिस करवाना पड़ेगा, फिर जाके प्लान ड्रो होगा, कितनी बार प्लान काम जो है सही नहीं ड्रो होगा, उसमें चेंजेस कर करा के बहुत टाइम लग जाता है, और कई बार इतना टाइम लग जाता है कि उसको लागू करने के लिए टाइम नहीं बचता है, बनाने बनाने में बहुत टाइम लग गया नियोजन प्लान, तो इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये भी एक इसकी कमी है। नेक्स्ट है नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, वो अभी हमने पढ़ा ना, धन और समय दोनों नष्ट होता है, तो अलग से भी बताता है। कभी कभी क्या होता है कि योजनाएं तैयार करने में इतना समय बर्बाद हो जाता है कि उनको लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता। भाई कोई गोल रखा था 4 महीने में अचीव होना चाहिए, आपने प्लानिंग करने में नियोजन करने में 3 महीने लगा दिए, अब वो लक्ष्य 1 महीने में थोड़ी हासिल होगा। प्लानिंग करने में कई बार बहुत ज्यादा जो है टाइम लगा दिया जाता है, फिर उसको लागू करने के लिए पर्याप्त समय बचता ही नहीं है, तो ये भी एक नियोजन की जो है कमी है। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है, कोई आश्वासन मतलब गारंटी, आपने बढ़िया प्लान बना लिया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्लान सक्सेसफुल होगा ही होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्यूचर लास्ट टाइम में हमने कोई प्लान बनाया था उसी को लागू कर दिया या नया प्लान बना दिया, तो हमेशा ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि योजना जो है पहले सफल हो चुकी है वो आगे भी कार्य करे। कई बार होता है ना, लास्ट ईयर हमने कुछ किया था तो उसका हमको अनुभव है कि भी लास्ट ईयर वाला प्लान बढ़िया था, एकदम नियोजन बढ़िया था, आज अभी भी वही लगा दो, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। नियोजन करने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, नया प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद में भी कोई आश्वासन गारंटी नहीं है कि आपका प्लान सक्सेसफुल होगा ही होगा, सफल होगा ही होगा। तो ये नियोजन की कुछ सीमाएं हैं, बट इन सीमाओं को देख के हम कोई नियोजन करना बंद तो नहीं कर देंगे, नियोजन तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता। बिजनेस क्या, कोई लाइफ ही नहीं चल सकती, कुछ हो ही नहीं सकता। अगले लेक्चर के अंदर हम नियोजन की प्रक्रिया करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, अच्छा लगा है, पसंद तो क्या आया, आपको समझ आया है, तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं हम नियोजन की प्रक्रिया लेकर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक्स।